मुख्यमंत्री धामी ने पंजाब में जनसभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रविवार शाम को पंजाब में पटियाला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी परनीत कौर के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने जनता से भाजपा प्रत्याशी परनीत कौर के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान कर उन्हें विजय बनाने का आग्रह किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने जनता से मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देने की बात भी कही। मुख्यमंत्री धामी ने 1 जून को होने वाले पंजाब में चुनाव में हर एक वोट भाजपा को देने की बात कही। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष और विधायक समेत कई लोग मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी परनीत कौर के पक्ष में मतदान का किया आग्रह। मुख्यमंत्री धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब की हर सभा में जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने हर पल देशवासियों को समर्पित किया है, जिसके फलस्वरूप आज भारत आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक रूप से हर एक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा के पक्ष में मांगा समर्थन। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण हेतु अनेकों योजनाएं लागू की गई हैं, जिनमें जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल नल से जल, लखपति दीदी योजना, आयुष्मान योजना जैसी कई योजनाओं ने करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदलने का काम किया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करतारपुर साहिब कॉरिडोर के निर्माण का भी जिक्र किया। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये हमारे सिख संगत के बड़े हमारे धार्मिक स्थल देवभूमि उत्तराखंड में है। कल मैं पंजाब की धरती पर आया और कल बड़ा शुभ दिन था। हेमकुंड साहब के कल कपाट खुल गए, भाई बहनों, और कपाट खुलने के अवसर पर बड़ी संख्या में वहां संगत पहुंची है और हेमकुंड साहब के दर्शन करना एक बहुत पवित्र दर्शन माने जाते हैं। सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता कि पवित्र हेमकुंड साहब के दर्शन कर पाए, और जो हमारे वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग लोग और शारीरिक रूप से कमजोर, उनके लिए यात्रा अत्यधिक कठिन होती है। भाइयों बहनों, उनकी यात्रा भी आसान यात्रा हो जाए, जो कई दिनों की यात्रा है अब कुछ घंटों में ही पूरी हो जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास कर दिया है, रोपवे का काम शुरू हो गया है। इसके साथ साथ चार धाम यात्रा चल रही है, केदारनाथ जी जाने के लिए, यमुनोत्री जाने के लिए, पूर्णागिरी धाम जाने के लिए। आने वाले समय में आप सबको लंबी यात्रा पैदल नहीं जानी पड़ेगी, यहाँ सब जगह पर रोपवे का काम शुरू हो गया। भाइयों बहनों, सीएम धामी ने विपक्ष पर बोला हम। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। इसी के बाद मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष पर हमला बोला। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कांग्रेस और बाकी दलों की तुष्टिकरण की राजनीति की बात करते हुए सीएम धामी ने कांग्रेस और बाकी दलों को भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन ठग बंधन है। इन दोनों पार्टियों के गठबंधन पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है, सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया है। अभी सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार होने के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी ये ठग पार्टी भी है, और इतने बड़े ठग है कि आज इन्होंने आपस में कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी में दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन किया हुआ है। धरती यहाँ पर बैठे हैं, हरियाणा में और दिल्ली में आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, और यहाँ पंजाब में एक दूसरे से लड़ाई करने का दिखावा कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली देने का काम कर रहे हैं, और वहां पर एक दूसरे के साथ गलमैया कर रहे हैं। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, जब आपस में ही ये एक दूसरे को ठगने का काम कर रहे हैं तो जनता को किस कदर ठगने का काम करेंगे, हम इसका अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। लेकिन जनता इनकी चालाकियों को अच्छे से समझती है। भाइयों बहनों, में दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर प्रचार के लिए जा चुका हूँ,
हर जगह कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी की हार निश्चित दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पंजाब की 13 सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग हुई है, जिसमें सातवें यानी आखिरी चरण में 1 जून को गुरदासपुर, अमृतसर, खंडूर साहिब, जालंधर, होशियारपुर, नंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजाबाद, बठिंडा, संगरूर और पटियाला सीटों पर वोटिंग होगी। अब ये 4 जून को नतीजे तय करेंगे कि पंजाब की जनता पर मुख्यमंत्री धामी के आग्रह का कितना असर होगा।